दोनों साथ में आओ, दोनों साथ में आओ, पता क्या हो, नाइस मैन, आइए आइए, यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे देखिए सर, लुक है मैम, सर यहाँ पे हाँ मैं सूट बोला, ओल्ड 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 सर, यहाँ देखिए सर बोला ओल्ड की आप पता चाहिए बहुत बहुत स्वागत आज की शाम में अजय मिश्रा जी मामा जी को लेकर है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे आदरणीय मामा जी आदरणीय रामपाल जी सुंदरी ठाकुर जी दैनिक मुंबई अमरदीप बर्न बारिश बहुत बहुत स्वागत और साथ ही साथ मैं हमारे रामपाल जी जो देखने में एकदम से क्यूट ही हैं, इनका काम भी एकदम क्यूट है, एक बार तालियां होनी चाहिए इनके लिए, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ दीपू जी। और साथ ही साथ हमारे इस गाने जिसका नाम है बदनाम हो गया, बदनाम हो गया गाने के डायरेक्टर शरीर, कैसे हैं आप, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत खूबसूरती से इस गाने को बनाया गया है, आप सभी लोग अपना प्यार दे रहे हैं और आगे भी देंगे ताकि हम और भी खूबसूरत गाने आप लोगों के बीच लेकर आ सके। सभी का मैं स्वागत करता हूं, जितने भी हैं हमारे तमाम गेस्ट आए हुए हैं, तमाम मेहमान आए हुए हैं, जहां तक मेरी नजर जा रही है और लाइट की वजह से जहां नहीं भी जा रही है, प्रमोद जी आपका स्वागत है, आप तमाम लोगों को बहुत बहुत स्वागत, हैदर भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र जिन्होंने इस शाम को और खूबसूरत बनाया है, तमाम जितने भी हमारे मीडिया के लोग हैं आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आज की शाम के लिए। ये जो गाना है बदनाम हो गया, जिसको हमारे साथ करिश्मा राव जी ने बहुत खूबसूरती से गाया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने हमारे इस गाने में 8 चांद लगाए हैं, सब 4 लगाते हैं, आपने 8 लगाए हैं, एक बार तालियां हो जाए आप सभी की जोरदार, क्या बात है। और मैं सभी का स्वागत करते हुए एक बार करिश्मा जी से चाहूंगा कि आप भी सबका वेलकम करें। सर देखिए और कुछ कुछ ऑल राइट, सबसे पहले तो वेरी वार्म गुड इवनिंग टू एवरीवन, और आप सबने हमें ज्वाइन किया अपना अपना समय निकाल के, इसके लिए वी आर रियली थैंकफुल, बहुत ही ज्यादा हम वैसे ही खुश है कि आवर सॉन्ग इज रियली डूइंग गुड, और इसके बहुत सारे क्रेडिट हैं तो बहुत सारे लोगों को जाते हैं, कुछ यहाँ पे खड़े हैं और कुछ वहाँ पे हैं और कुछ आने वाले हैं। सो और सबसे पहले थैंक्स टू द एंटायर मीडिया कि आप सब ने आपका समय निकाला और हमारे गाने को आप कवर करने आए हमारी स्क्रीनिंग में, आप क्योंकि आप सबका समय निकालने में एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, ईच वन ऑफ यू जिन्होंने अपना समय हमें दिया हमारी स्क्रीनिंग में आए, थैंक यू सो वेरी मच। सो बदनाम हो गया, ये इट्स अ ब्यूटिफुल टाइटल, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल टाइटल जिसको आपको बहुत ज़्यादा याद रखने को सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या था वो टाइटल, क्योंकि बदनाम हो गया इटसेल्फ इज अ वेरी यूनिक टाइटल, तो आप प्लीज़ इसे शेयर करें और देखें एंजॉय करें, दैट्स इट, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच वंस अगेन, और आई विल रिक्वेस्ट आवर डायरेक्टर टू से फ्यू वर्ड्स रिगार्डिंग दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग व्हिच इज डायरेक्टेड बाय वन एंड ओनली शेरिन कोरीज। नमस्ते, मैं आप लोगों सभी लोगों से एक बार दरख्वास्त करूँगा कि इस गाने के पीछे जो एक शख्स हैं जिन्होंने मतलब हम सबको ड्राइव किया, जिनका नाम है प्रकाश तिवारी मधुर, उनके लिए प्लीज एक जोरदार ताली बजाएं प्लीज। उनके साथ करिश्मा जी मेरे पास स्टूडियो में आए थे, बोल रहे थे कि मतलब हमको कुछ गाना बनाना है, ये गाना है, मैं पहली बार सुनने में मैंने कह दिया था कि मेरे को ये गाना बनाना है,
और हमारी इंडस्ट्री में एक बोल है कि मतलब आप या एक समझ है कि आप पहली बार कुछ चीज़ को पसंद करते हैं और उसी में आपको आप मोहित हो जाते हैं उसके साथ, तो मतलब ये कुछ अच्छी चीज़ है और उसमें जुड़ जाना चाहिए। इस चीज़ में मैं जुड़ते जुड़ते इनके साथ बहुत ही प्रेम संभाव में जुड़ गया। और हमने ये गाना जो है इसकी एक तकनीकी खूबी मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको हमने रियल टाइम वर्चुअल प्रोडक्शन में बनाया है। ये शायद पहली बार म्यूज़िक इंडस्ट्री में इस दौर तक बना है और इसके पीछे खूब सारे हमारे फोर्सेस हैं, काफ़ी हमारे दोस्त लोग हैं। एक उनमें से यहाँ खड़े हमारे एडिटर साहब पंकज सौ, प्लीज़ आप हाथ ऊपर उठाएं, आइए प्लीज़ जॉइन अस एक बार। इस एडिटर साहब काफ़ी यंग लड़का है, इसने बहुत मेहनत की है इस पर, प्लीज़ इसके लिए मेरा एक जोरदार ताली बजा दें। तो ये पंकज जी हैं और करिश्मा जी की एक फाइन ट्यून सेंसिबिलिटी है, जहाँ पे उन्होंने मेरे साथ बैठ बैठ के स्टोरी पे बहुत बहुत फाइन ट्यून किया है। मैं उस चीज़ के लिए इनसे आभारी हूँ, ठीक है। और प्रकाश जी ने मेरे को फुल छूट दिया इस चीज़ के लिए, मैं उनके लिए आभारी हूँ, थैंक यू। एंड बाकी मैं ये माइक उनको वापस दूंगा। वंस अगेन थैंक यू टू ऑल द मीडिया पीपल हु हैव टेकन दिस मच एफर्ट टू कम, वी सैल्यूट यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट, थैंक यू फॉर बीइंग सो जेनरस विद योर टाइम, गॉड ब्लेस यू। प्रकाश जी आप बहुत बहुत शुक्रिया। और गाना तो मेरा रिलीज हो चुका है, लेकिन ऑफिशियली जिसे रिलीजिंग कहते हैं वो हम आज इसलिए करेंगे क्योंकि आज हमारे तमाम वो लोग हैं जिनकी वजह से हम कुछ कर पाते हैं, जैसे हमारे मामा जी। ये पूरी कायनात जितनी भी आप देख रहे हैं हमारे मामा जी की है, और मामा का मतलब ही है जो माँ से ज़्यादा प्यार करता है उसे मामा कहते हैं, क्योंकि माँ में दो माँ लगते हैं और माँ में एक माँ और मामा में दो माँ, इसलिए डबल हो जाता है, तो डबल प्यार करते हैं आप। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से, आपके आशीर्वाद से, आपकी प्रेरणा से, आपके मार्गदर्शन से हमने ये शुरुआत की है। और आप सभी का साथ अगर इसी तरह से मिलता रहेगा तो हम दिन प्रतिदिन इसी तरह के खूबसूरत गाने लाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ अजय मिश्रा जी, जिनका नाम ही अजय है, अजय का मतलब होता है जिनकी जीत होती है, कभी पराजय होती ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ जब हम जुड़ते हैं तो निस्संदेह हमारा काम और बड़ा हो जाता है। और उसके बाद सुंदरी ठाकुर जी, जिनका सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहता है और हमेशा ये हमें वो देती हैं, क्या बोलते हैं उनको, मतलब प्रोत्साहन देती हैं। और रामपाल जी, जैसा कि मैंने पहले कहा, रामपाल जी जैसा नाम है वैसा काम भी है। राम का काम, राम से बड़ा कुछ होता नहीं है। इतने सहज और इतने सरल व्यक्ति हैं और इतनी सहजता से कह रहे हैं करो ना, मैं हूं ना, करो ना। तो मुझे लगता है कभी कभी डर लगता है कि कैसे करूं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब वो कहते हैं करो ना, मैं हूं ना, तो धीरे धीरे मुझे भरोसा होने लगे कि बोल दिए तो होना ही है। और मुझसे पहले वो सचेत हो जाते हैं और मुझे फोन करते हैं किया, तब मैं करता हूं। तो एक बार राम जी के लिए, रामपाल जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, जिन्होंने एक बहुत खूबसूरत प्ले जो पुनीत सर जी ने तैयार किया है जय श्री राम, पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में शुरू होने वाला है, क्योंकि शुरुआत हो चुका है, अभी दो दिन लगातार शो था। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और चाहता हूँ दो शब्द सुंदरी ठाकुर जी, इसके बाद रामपाल जी, दीपू जी। सबसे पहले तो करिश्मा जी, आपको करिश्मा है ये बोलने की जरूरत नहीं है, है ना, कुदरत का करिश्मा आप खुद ही हैं, तो करिश्मा की जरूरत ही क्या है। और आपके जो बाजू में खड़े हैं जिन्होंने वाकई आपको करिश्मा दिखा दिया करके, तो उनका भी उतना ही बनता है। और मधुर जी तो फिर मधुर वाणी में खो जाते हैं, तो उनका तो फिर कहीं पकड़ है ही नहीं। सो मैं आप पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। एक्चुअली मैं सच बोलूँ, मेरा ये कोई फीट नहीं है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता रहता कौन सा गाना किसने गाया। जब ही मुझे एक बार मधुर जी का फोन आया, पता नहीं कुछ बात हो रही, तो बोला आपको आना है, मैं बदनाम हो गया। आप बिलीव कीजिएगा, मैं सोचा मेरे से कुछ जोक मार, बोलिए यार बदनाम हो गया, व्हाट इज दिस, मैंने कहा मैं क्यों होंगे बदनाम हो गया तो, अरे बोले नहीं, उन्होंने ऐसा लगा कि मुझे पता है कि ये गाना है, तो
मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि गाना, तो मैं सरप्राइज हो गई। फिर उस दिन से जब दिमाग में आया तो वो बार बार, फिर तो चारों तरफ बदनाम हो गया। बदनाम तो अपने आप ही दिमाग चलने लगा कि ये वाला बदनाम हुए हैं। अच्छा, मैंने बोला वेरी नाइस, ये बदनामी बहुत अच्छी है, ये अच्छी, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भी इस चीज से जुड़े हुए उन सभी को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। सब आगे बढ़े, बहुत अच्छा काम करे, राम भैया का सपोर्ट ऑलवेज आपको मिलता रहे। और जो सामने प्रशंसक दुनिया ने, जो सामने हमारे खड़े हुए हैं, यही आगे ले जाएंगे, तो इनका तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी मीडिया का, मीडिया ही है, नहीं तो हम इसी कुंभ के अंदर रह जाएंगे। अगर मीडिया नहीं रहोगी, आपस में शक्ल देख के अपना अपना तारीफ करके निकल जाएंगे। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, जिनकी वजह से जो नहीं भी जान सकता उसे बता देते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ देम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच करिश्मा तिवारी, थैंक यू। मधुर और करिश्मा मेरे आए यहाँ पे, और मैं इनको हमेशा कहता हूँ जो भी है मैं हूँ। बस उसमें ही गुस्सा बढ़ता है, अगर लगता है कि पीछे कोई है तो आधा तो अपनी उसकी ताकत से कर लेते हैं और आधा हमें सपोर्ट करना पड़ता है, हमें सपोर्ट करना नहीं पड़ता है। क्या है, क्यों है, तो फिर वो लटक जाता है, तो इसका क्या जवाब है। ये बदनाम में नाम हो यही चाहते हैं, और काफ़ी नाम होगा भी। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि प्यार, सर ने प्यार नहीं किया है, प्रेम किया। प्यार का इंग्लिश LOV, लव होता है, लेकिन प्रेम का कोई भी अंग्रेजी में डिस्कशन नहीं है। इसके लिए प्रेम करिए, प्रेम। प्यार और लव तो होता है, लेकिन प्रेम का कोई इंग्लिश शब्द नहीं है। तो प्रेम करिए और प्रेम से रहिए। जय माता दी। क्या बात है। और हमारे साथ दिनेश सोई जी मौजूद हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा स्टेज पर आ जाएंगे। और साथ ही साथ दीपू जी यहां पर हैं, जिनको आप सभी लोग जानते हैं कि ये जूनियर मनोज कुमार। एक बार तालियां हो जाएं। अभी हम लोग उनकी अदायगी भी देखेंगे थोड़ी देर में। दिनेश जी प्लीज। बस 3 मिनट बाद 2-4 लोग और आ रहे हैं, इसके बाद हम पोस्टर्स और उसके साथ ही हम गाने को एक बार फिर से ऑफिशियल रिलीज करेंगे, और उसके बाद इंटरव्यूज होंगे, कुछ बातें हम आप लोगों से शेयर करते जाएंगे। तो मैं दिनेश जी से चाहूँगा कि हमारे गाने के लिए आपकी शुभकामना मिले। या हाय एवरीवन, गाना देखा मैंने, बहुत अच्छा गाना है, इसमें को मैं जानता हूँ, आप बहुत अच्छा गाना गाया और मज़ा आ गया। और ये इनिशिएटिव है, ऐसी इनिशिएटिव होने चाहिए आगे होगी, और इससे प्रोत्साहन मिलता है। और ऑल द वेरी बेस्ट, मैं तो शेयर करूँगा आज अपने स्टैंड। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आप सब यहाँ पे आए और हमारे इस खूबसूरत से म्यूजिक वीडियो का आप सब पार्ट बने, आपने अपना समय दिया। और इसी तरह से अभी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ आने वाला है। सो आप सबको ऐसे ही आते रहना है और हम सबको मोटिवेट करते रहना है, हमारी पूरी टीम को मोटिवेट करते रहना है, क्योंकि ये हमारा हम दोनों का पहला साथ में म्यूजिक वीडियो था, तो इसलिए हम चाहते थे कि आप सब जुड़ें, क्योंकि हम एक नई टीम बन गए हैं और उस पूरी टीम को भी हम जोड़ के रखना चाहते हैं आप सबके साथ, क्योंकि ये भी अब एक पूरी टीम है। तो इसीलिए जब भी हम आपको बुलाएं, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है आप सब ऐसे ही आए और अपना प्यार हमें शावर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। और बस अरे प्रकाश जी, और अपना आगे ना प्रकाश जी, आगे सर, सर अब साइड। ओके सर, थैंक्स सर। हां यहां देखिए, आ रुक जा सर, सर एक मिनट होल्ड। ओके सर, नाम हो गया हूँ, उसके लिए कहना चाहूंगी, देने वाले ने जो इल्जाम दिया है मुझको, देने वाले ने जो इल्जाम दिया है मुझको,
कर के बदनाम बहुत नाम दिया है मुझको, तो बदनाम हो गया। God bless you, thank you so much, thank you for all media, AG and all team, thank you so much. थैंक यू सो मच मैम, और ऐसे ही ब्लेसिंग्स देते रहिए। थैंक यू सो मच, ब्लेसिंग से ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए, आप सबकी ब्लेसिंग्स ऐसे मिलती रहती है। सॉरी, लेट मी मेक इट करेक्ट, क्योंकि सर ने बिल्कुल सही कहा, ब्लेसिंग्स तो ज़रूर चाहिए और उसके साथ लाइक्स, कमेंट और सब्सक्रिप्शन भी चाहिए। तो ब्लेसिंग्स देते रहिए और आपके लाइक्स, सब्सक्रिप्शन और शेयर करते रहिए हमारे गाने को, जो कि बदनाम हो गया। थैंक यू सो मच सर याद दिलाने के लिए। हाँ ले लो फोटो लो पहले, बस अभी वीडियो भी लेने दो। सर एक मिनट, सर होल्ड। बस सलीम जी आ जाएं। इसीलिए वीडियो अभी तक हम लोग चला नहीं पाए। या अली कर मदद। बहुत प्यारा गाना था और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मेरे जहन ने इस पर प्रकाश डाला तो ऐसा लग रहा है कि नए साल में कुछ ना कुछ अच्छा करिश्मा होगा, ये दोनों मिलकर कुछ अच्छा करेंगे जिससे कि सब का दिल बहुत खुश होगा। और अंदर ये बात है, कसम खा के कह रही हूँ भैया प्रकाश, टिल्लू आज तक सबके गुर्दे छील के बदनाम था, लेकिन तुम पहली चिरांद हो जो बदनाम होने के बाद नाम कमाओगे। क्या बात है। और ऐसे मौके पर जहाँ बहुत ही धुरंधर सिंगर हमारे बीच में है और सारेगामापा में इस समय जो जज की भूमिका में है और इतना बढ़िया खूबसूरत टाइम निकाल कर आप आए, हमेशा अपना आशीर्वाद अपना ब्लेसिंग आप हमें देते हैं, मैं चाहता हूं कि आप, क्योंकि आपने गाना सुना नहीं था उसके बाद ब्लेसिंग नहीं थी, सुनने और देखने के बाद आपकी ब्लेसिंग मेरे लिए बहुत बड़ी मायने रखती है। अरविंद जी, इससे पहले मैं कुछ कहूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, शुरू करते हैं। प्रकाश जी, हाँ आप तो बड़े शरीफ थे, बदनाम कब से? कैसा रिस्पांस मिल रहा है इस गाने का अगर बताएं तो? बहुत खूबसूरत रिस्पांस है, बहुत अच्छा लोग हमें सारे पर्सनली फोन कॉल कर रहे हैं और बहुत सारे दूर जा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम आगे भी बहुत। तो लौंडा बदनाम हुआ ऐसा इस तरीके का? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, एकदम से ये बहुत शानदार लिरिक्स है, बदनाम हो गया। आप इसको सुनेंगे तो आप इसको गजल भी कहेंगे, आप इसको बॉलीवुड होता है कि आज के लोग
तिवारी, एक साला भोतनी का हमारा कंजूस मनमोहन तिवारी, वो तनख्वाह नहीं दे रही है लेकिन भाई अच्छे से अच्छा गाना पेश करता जा रहा है। तो दिल से दुआ है कि ये जो है बहुत प्यारे से सब में दिलों पर छा जाए, करिश्मा भी छा जाए और ऐसे और गाने आए, लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, मतलब रायता फैला दें। अगर अगर लोग लाइक शेयर नहीं करें तो क्या गुर्दे छीलेंगे उनके? नहीं पकड़े हैं, कसम खा के कह रही हूँ भाई, ये बदनाम हो गया गाना जो आया है, इस गाने को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वरना टिल्लू भैया गुर्दे पकड़ के लटकेंगे ना, छील देंगे। करिश्मा जी आप क्या कहेंगी, कितने एक्साइटेड हैं इस गाने को लेके और क्या कुछ ख्वाहिश और ये सब मन में चल रहा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे शेयर करें? आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे इन्होंने प्रकाश जी ने कहा कि राम के बिना आपके बिना ये सफ़र पूरा नहीं हो सकता, और कहते हैं कि कन्हैया आप सब काम कर रहे हो और मेरा नाम हो रहा है, तो जैसे जी आप क्या कहना चाहेंगे? प्रकाश जी ये शूट वगैरह क्या कहा हुआ था और क्या कुछ कहना चाहेंगे शूटिंग वगैरह को लेकर? जी जी भी है, क्या आपको इलेक्शन करते हुए देख सकते हैं?
वन लाइन की बात करें प्रकाश जी, क्या वन लाइन था? जैसे शुरुआत होती है गाने के दुपट्टे से और फिर एंड में जो ये हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, क्या था वो कहानी, थोड़ा शेयर करें। वन लाइन की बात करें तो मैं चाहूँगा हो गया टू लाइन करिश्मा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे वो स्टोरी लाइन को लेके? एक दुपट्टे से शुरू होता है गाना और वो एंड में डिसॉल्व हो जाता है। सलीम भाई, आज आखिरी सवाल, साल की शुरुआत है और क्या कुछ इस साल आपको देख पाएंगे दर्शक आपके? बस बहुत जल्दी है, बड़े पढ़ने की तैयारी है, एक बड़े एक्टर के साथ उसके दो सेकंड आ रहे हैं, अभी मैं बताना नहीं चाहूँगा, मजा आने वाला है, वो तो चलता रहेगा। फिलहाल बदनाम की बात करते हैं। प्यारी लगी है करिश्मा, इतनी प्यारी नशीली आँखें, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तो कतरा था, नजर कैसे मिलाता हूँ उनसे। आप शायर हैं, मैं तो कतरा था, नजर कैसे मिलाता हूँ उनसे, आंखें ऐसे कि समंदर के समंदर किया।
लीजिए एक साथ हमारे साथ सभी बोलेंगे बदनाम हो गया